आपका क्वेश्चन है सॉल्व। देखो क्या दिया है, 3y+4 बाई 2 - 6y = -2/5। तो दोनों साइड में p बाई क्यू फॉर्म में है, तो वी विल गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और ऐसे, तो देखो क्या आ रहा है आपका, 5 × 3y इज 15y प्लस 5 × 4 इज 20, दैट इज इक्वल टू, नाउ -2 से करो, -2 × 2 इज -4। नेक्स्ट, -× - इज प्लस, 2 × 6 इज 12, तो हो गया आपका 12y। अब y को एक साइड में लेकर आ जाओ, कॉन्स्टेंट को एक साइड में, ठीक है। तो ये देखो 15y आपका लेफ्ट में है, देयर इज नो चेंज, और यहां पर राइट साइड में +12y है, लेफ्ट में आएगा तो इट विल बिकम अ -12y, -12y दैट इज इक्वल टू, यहां पर है आपका -4 और +20 है, राइट में जाएगा तो -20, ठीक है। अब 15y - 12y इज व्हाट, 3y, दैट इज इक्वल टू -4 - 20 इज -24। तो y की वैल्यू क्या आ गई, देखो -24/3। अब 3 से कट कर दो तो क्या आ गया आपका, देखो ऊपर -8/3, सॉरी -8/1। तो -8/1 क्या होता है हमारा, -8। तो y की वैल्यू इज -8, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आपका है 7y+8 by y+2 = -4/3। अगेन p by q फॉर्म में है, गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो क्या आ रहा है आपका, 7y × 3 = 21y प्लस 4 × 3 इज 12, दैट इज इक्वल टू, नाउ -4 × y इज -4y। नेक्स्ट, -4 × 2 इज -8। y को एक साइड में, कॉन्स्टेंट को एक साइड में, तो क्या हो गया, देखो 21y यहां पर है, -4y इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +4y। राइट साइड में -8 इज कांस्टेंट, लेफ्ट में +12 है, इसको भी इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -12। इसको सॉल्व करो, 21y + 4y इज 25y, दैट इज इक्वल टू -8 - 12 इज -20। तो y की वैल्यू देखो क्या आ गई, -20/25। दोनों 5 के साथ कट हो रहे हैं, है ना, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड कर दो तो ऊपर क्या आ गया, देखो -4 और नीचे आ गया 5। तो दिस इज योर वैल्यू नाउ।